हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ अली और आज की वीडियो दोस्तों हमारी ये जो हम डिब्बा है देख सकते हैं डिब्बा, इसका हम पानी का फिल्टर बनाएंगे। जो मतलब हमारे लबड़ या बजरी जो हैं, तो बजरी के लिए मैंने बना लिया, बजरी के लिए मैंने बना लिया। अब बना रहा हूँ मैं लबड़ के लिए। तो ये छोटा डिब्बा है, हम छोटे डिब्बे का भी बना सकते हैं। तो हम छोटे डिब्बे कैसे बनाएं, इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले नई दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो प्रेस करें, ताकि आने वाली जो वीडियो मेरी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले एक और पानी का फिल्टर बनाया था, आपने वो भी वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं लिंक नीचे डाल दूँगा, उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएँ तो मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये मार्कर है और ये इंची टेप है। इंची टेप और मार्कर से ये है कि हमें इस तलीस में कितनी हमें पानी भरना है। तो मैं यहाँ तक सवा दो इंची जगह छोड़ूंगा, मतलब सवा दो इंची जगह छोड़ने के बाद वो बाकी जो बचेगा हम काट देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे निशान ला लेते हैं, सवा दो इंची। आपको मैंने बताया सवा दो इंची है, काफ़ी स्पेस है, पानी काफ़ी हम रख सकते हैं, या हम दो इंची भी कर सकते हैं, दो इंची में भी काफ़ी पानी आएगा। तो मैंने अभी फिलहाल में दो इंची रहने दें, और उसके बाद जो बीच में हमारा बेड बैठेगा वो तीन इंची या साढ़े तीन इंची अगर छोड़ेंगे तो हम साढ़े तीन इंची यहाँ से ये जगह छोड़ दी हमने, ठीक है, ये साढ़े तीन इंची जगह छोड़ दी हमने। उसके बाद पूरी मार्किंग कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने ये लकड़ी का ऐसा बना रखा है, एक बड्डी टाइप की, मतलब इससे हम ऐसे निशान लाएंगे। हमारा ये है, यहाँ पे हमारा ये हो गया, वो इतना हमें यहाँ से काटना, बीच का निकाल देना, और इस हाथ से हम इसको ऐसे पकड़ के एक मिनट दोस्तों, मैं मार्किंग कर लेता हूँ इस हाथ से। मार्किंग करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी पूरी मार्किंग हो रही है। इसके बाद हमें क्या करना, हमें यहाँ से ऐसे करके इस तरह से हमें निशान लाना, क्योंकि हमें नीचे से ज़्यादा रखना, ऊपर का सिर कम रखना है, क्योंकि इसकी सपोर्ट इसी से आएगी हमारी। और बट इतने में बैठे था आराम से, हमें यहाँ से फिर ऐसे निशान लाना, यहाँ से फिर इसको ये से स्पेस देना, उसके बाद यहाँ पे देना, यहाँ से इसको। तो हम इसमें तीन दे सकते हैं, एक ये काट देना, ये काट देना, यहाँ से ये काट देना, यहाँ से देकर काट देना। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी पूरी मार्किंग हो गई, हमें इतना फीस ये वाला काट देंगे और ये वाला नहीं काटना हमें, ठीक है। ये एक जो है इसकी सपोर्ट मिल जाएगी इससे, तो ये काट देना यहाँ से और इसका ये काट देना, और बाकी ये इससे ही होगा हमारे जो बर्ड होगा यहाँ से आन के पानी आराम के साथ ही पिएगा, और इसकी जो पोटी होगी बेड की इसके अंदर नहीं गिरेगी, और जैसा बर्ड इसके पानी के अंदर पोटी गिर गई है वो पानी पीता रहेगा, तो बर्ड जो होता है उससे बीमार हो जाता और काफ़ी ज़्यादा लॉस होता आपको। तो इसलिए हम ये बहुत सीधा सा हर किसी डिब्बे मिल जाते हैं, ये पेंट के डिब्बे होते हैं, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो हम इसको या आप ब्लेड की सहायता से या कटर मशीन की, मैं कटर मशीन से काट देता हूँ उसको, या ग्रिंडर से काट दें तो मैं अभी ग्रिंडर से काटने वाला हूँ उसको मैं। आप चाहो तो चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। तो अभी हम ग्रिंडर से काटेंगे। तो दोस्तों, ये मेरे पास ग्रिंडर है, मैं इससे काट दूँगा इसे, आप चाहो तो चाकू से भी काट।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सांस काट दिया है और अभी जगह भी काट देंगे हम सारे काट के फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये डिब्बा बन गया हमारे पानी पीने का, पानी पिलाने के लिए। और हमने ऊपर का ढक्कन इसलिए नहीं काटा, कभी हम ऐसे ऐसे धो भी सकते हैं और ये लोग भी रहेगा, ठीक है। पानी जो भी है वो साफ़ सुथरा रहेगा आपका, यहाँ से बड़ा पानी जो है आराम से पिएगा, देख सकते हैं। इस यहाँ से हम पकड़ने के लिए भी होगी आसान तरीका। और अभी जो है हम अगर मेरा बड़ा डिब्बा होता तो इसके अंदर मैं ऐसे लकड़ी लगा देता, इसमें यूँ नहीं लगाऊंगा, कभी बर्ड नहाना हुआ तो इसमें बैठ कर नहा सकता है, लकड़ी की हम लगा देंगे बीच में तो बर्ड जो है बैठ के नहाएगा नहीं और काफ़ी स्पेस नहीं मिला उसको नहाने के लिए। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं घर में, बहुत आसान तरीका है ये। और तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिब्बा बन गया हमारे पानी पीने के लिए, बर्ड आराम से पानी पिएगा इसके अंदर। और देख सकते हैं अगर इसकी जो पोटी होगी वो भी इसके अंदर नहीं जाएगी, ये पूरा ढक के हो गया डिब्बा और बर्ड आराम के साथ में इसमें नहा भी सकता है, काफ़ी स्पेस मिला बैठने के लिए। तीन तब से मैंने इसका बना रखा और मटकी जो है वो सॉरी और गंदा पानी बिल्कुल नहीं होता इसका। और मैंने इससे पहले एक और बनाया था उसमें भी काफ़ी अच्छा है, और पहले जो मैं रखता था मिट्टी के बर्तन में पानी रखता था तो काफ़ी गंदा हो जाता पानी, अब नहीं होता इतना गंदा पानी, साफ़ सुथरा पानी रहता। जैसे मैंने सुबह रखा तो दोपहर तक या शाम तक मुझे ऐसी के ऐसी पानी मिलता, और भूसी वगैरह दाने की आ सकती है, बाकी पोल्ट्री वगैरह इसके अंदर नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।